वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर आज लेकर आया हूँ कारण का आपका जो अनुवाद का जो पाठ था अभ्यास, उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले है जो राम विद्यालय जाता है। देखिएगा विद्यार्थी, सबसे पहले आपको लकार जो मैंने बताया था उस लकार और कारक आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है? तो आप लकार और कारक को अपने दिमाग में रखिएगा। देखिएगा राम विद्यालय जाता है। देखिए जब राम विद्यालय जाता है सबसे पहले नाम आता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कर्ता कारक में अभिधेय मात्र प्रथमा, कौन बताया था? अभिधेय मात्र प्रथमा। उसमें मैंने आपको यह बताया था कि अगर वाक्य में किसी नाम का हो तो उस नाम को संस्कृत बनाने के लिए सिर्फ विसर्ग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विसर्ग का। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा रामा। क्या हो जाएगा? रामा। विद्यालय का मीनिंग होता है विद्यालय, ठीक है? विद्यालय राम विद्यालय को जाता है, यह राम विद्यालय जाता है, ठीक है? राम विद्यालय को जाता है, इस यह क्या है? कर्म है। क्या ये ऑब्जेक्ट हमारा यानी कर्म, ठीक है? तो यहाँ पे वो जाने बताया था कि यार कर्म कारक को अगर संस्कृत में अनुवाद करना हो तो उसके लिए माँ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? माँ का। और संस्कृत में अगर हम ऊपर में चंद्र बिंदु देते हैं या बिंदु बिंदु देते हैं तो उसको माँ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? माँ पढ़ा जाता है, ठीक है? तो रामा विद्यालय जाना का मीनिंग क्या होता है विद्यार्थी? गज होता है। जाना का मीनिंग क्या होता है? गज। और एक नाम के साथ क्या लगता है विद्यार्थी? ती लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रामा विद्यालय गजती, ठीक है? आगे देखते हैं मोहन मैदान में दौड़ता है। मोहन मैदान में दौड़ता है। देखिएगा मोहन, मोहन को ये नाम यहाँ जाएगा मोहना, ठीक है? विद्यालय सॉरी मैदान, मैदान का मीनिंग होता है क्षेत्र। मैदान का मीनिंग होता है क्षेत्र। में आज कीजिए, में किस चीज का आती है, किस कारक का पहचान है? कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पेपर। अधिकरण में, अधिकरण का चिन्ह क्या बताया था मैंने विद्यार्थी आपको? ए। क्या बताया था? ए। यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्र। दौड़ना का मीनिंग क्या होता है विद्यार्थी? धाव। दौड़ना का मीनिंग धाव। अब कोई एक नाम है तो ती, तो हो जाएगा मोहन क्षेत्र धावती, ठीक है विद्यार्थी? आगे देखते हैं यह बालक है। यह बालक है। देखिएगा विद्यार्थी यह का मीनिंग अयम होता है। क्या होता है? अयम होता है। यह का मीनिंग अयम, अगर कोई सजीव या कोई लड़का का बात हो तो यहाँ पे यम लगाएंगे, ठीक है? बालक का मीनिंग देखिए बालक है, का मीनिंग अस्थि, ठीक है? देखिए विद्यार्थी सब में है, लेकिन सब में है का मीनिंग है। अगर जिसमें भर्व नहीं होता है, जिसमें भर्व नहीं होता उसमें है का मीनिंग होता है, ठीक है? और जिसमें भर्व होता है उसमें है का मीनिंग नहीं दिया जाता है, नहीं लिखा जाता। इसलिए इस बात को आप दिमाग में रखें कि अगर जिस वाक्य में भर्व नहीं हो तो उसमें है का मीनिंग होगा, और जिस वाक्य में भर्व होगा उसमें है का मीनिंग नहीं होगा, ठीक है? आगे देखिएगा यह पुस्तक है। देखिए निर्जीव वस्तुओं की जाएगी जिसका प्रयोग हम इदम से करें। क्या करेंगे? इदम। पुस्तक का मीनिंग होता है पुस्तकम। पुस्तक का मीनिंग पुस्तकम। है का मीनिंग, ठीक है? आगे देखते हैं हे राम यहाँ आओ। जैसे यह संबोधन कारक का वाक है, सबसे पहले आपको वाक पकड़ना किस कारक का यह वाक है। हे राम, हे वो अवो अजी अगे अबे, ये सब किस वाक का संबोधन कारक का? तो हे राम, तो हे राम, हे राम, ठीक है? यहाँ का मीनिंग होता है अत्र अवाओ का मतलब आगच। तो हे राम अत्र आगच, ठीक है? आगे देखते हैं गुरु शिष्य, गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं। गुरु का मीनिंग गुरु हो जाएगा विद्यार्थी, शिष्य का मीनिंग शिष्य हो जाएगा। लेकिन शिष्य को पहचानिए कि को किस कारक का पहचान चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, जब कर्म को, तो को के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे विद्यार्थी? माँ का। किस चीज का प्रयोग करते थे? माँ का। हो जाएगा शिष्यम। क्या हो जाएगा? शिष्यम। पढ़ाना का मीनिंग पाठ्यति होता है विद्यार्थी। क्या होता है? पाठ्यति, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे देखिएगा राम फल खाता है। राम क्या खाता है? फल खाता है। राम कोई नाम है विद्यार्थी, तो यहाँ पे हो जाएगा रामा, ठीक है? फल का मीनिंग देखिए हो जाएगा फलम। फल को खाया है ना, फल। राम फल को खाता है, राम फल को खा रहा है। जब फल को आ गया तो कर्ता ने कर्म को, तो जब को ऑब्जेक्ट वाली बात हो तो कर्म वाली बात हो तो उसमें माँ का प्रयोग कर देते। रामा फलम, खाना का मीनिंग खास होता है विद्यार्थी, आप लोग सभी जानते हैं। और एक राम के साथ ती लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ती लगाते हैं। ये हो गया आपका राम फल खाता है। आगे देखिए गांव के निकट नदी है। गांव के निकट क्या है? नदी। हर गांव के निकट में नदी होती है विद्यार्थी, बहुत सारे गांव में नहीं भी होती है। चलिए देखिएगा गांव के निकट नदी है। गांव का मीनिंग हो जाएगा ग्राम, ग्राम,
निकटतम होता है निकसा, निकटतम नहीं निकसा, ग्रामम निकसा नदी अस्ति, सिंपल है विद्यार्थी, कोई ढोल जमीला नहीं। इंग्लिश नहीं विद्यार्थी की बहुत इसमें कुछ ई लगाना है, भर्ब लगाना है, तो क्या कहता है हेल्पिंग भर्ब लगाना है, ई जाम, मतलब बहुत सिंपल तरीके, जैसा दिया हुआ है बस सिरोरिये सिरोरिये उतार देना है उसका संस्कृत में, ठीक है विद्यार्थी। आगे देखते हैं, चोर घर में घुसता है, चोर, चोर का मीनिंग होता है चौरा, चोर का मीनिंग चौरा, ठीक है चौरा। घर में, घर का मीनिंग गिरी होता है, चोरा हो जाएगा सॉरी चोरा, घर का मीनिंग गिरी होता है, घर का मीनिंग गिरी है। घर में देखिएगा विद्यार्थी, इसमें में है, घर में, तो जब में है तो कौन सी कारक की विभक्तियां है आप याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए पदार्थ जुदाई संबंध का की अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पेपर, तो में जब यहाँ पे है विद्यार्थी तो इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो चौरा गिरी है, घोषणा का मीनिंग प्रविष्टि होता है विद्यार्थी, प्रविष्टि, ठीक है ये आपका हो गया। वह मीठा बोलता है, वह कैसा बोलता है, मीठा बोलता है, देखिएगा वह का मीनिंग विद्यार्थी सा होता है, आप लोग सभी जानते हैं, मीठा का मीनिंग मधुरम होता है, मीठा का मीनिंग मधुरम होता है, बोलना का मीनिंग वध होता है विद्यार्थी, सा के साथ क्या लगाते थे तो ती लगाते हैं, क्या लगाते हैं ती, तो सा मधुरम वदती। आगे देखते हैं, नदी कोस भर तक टेढ़ी मेढ़ी है, नदी है लेकिन कोस भर तक कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो याद कीजिए आपको मैंने बताया था कि जब कालवाचक और मारवाचक शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति, यहां जगह नदी सु क्रूत, नदी सु क्रोशन कुटीला अस्ति, नदी सु क्रोशन कुटीला अस्ति, ठीक है विद्यार्थी। देखिए क्रोशन से हो गया कोस भर, और टेढ़ी मेढ़ी का मीनिंग आपका हो गया बाबू कुटीला, क्या हो गया कुटीला, ठीक है। नदी का मीनिंग नदी सु हो गया, कोस भर तक का मीनिंग क्रोशन हो गया, टेढ़ी मेढ़ी का मीनिंग हो गया कुटीला अस्ति, ठीक है। हुआ कलम से लिखता है, हुआ कलम से लिखता है, लिखता है किस चीज से, कलम से, कलम से, देखिएगा विद्यार्थी से आ रहा है, से आ रहा है विद्यार्थी तो कौन सा होगा बताइए, तृतीय विभक्ति या पंचमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, क्योंकि से द्वारा का बोध दे रहा, जुदाई का बोध नहीं दे रहा, अगर जुदाई का बोध दे तो आपका पंचमी विभक्ति, और से लगा हुआ रहे लेकिन द्वारा का बोध दे तो तृतीय विभक्ति। जैसे हुआ कलम से लिखता है, कलम के द्वारा लिख रहा है ना विद्यार्थी, ठीक है। देखिए हुआ कलम से, हुआ का मीनिंग हो गया आपका स, कलम का मीनिंग कलम, से कलम से, से के लिए क्या लगाते थे विद्यार्थी, एन लगाते थे, क्या लगाते हैं एन लगाते, तो जरा सा कलमे ना लिखना का मीनिंग लिख होता है विद्यार्थी, और सा के साथ ती का प्रयोग करते हैं, सा कलमे लिखती। आगे देखते, राम रथ से जाता है, राम किस चीज से जाता है, रथ से जाता है, ठीक है राम, तो राम का मीनिंग विद्यार्थी रामा, रथ का मीनिंग रथ, से जाता है राम रथ से जाता है, फिर विद्यार्थी यहाँ पे से आ गया, से आ गया तो कौन कारक, कर्म कारक, रथ के द्वारा जा रहा है ना, तो यहाँ पे रथें, क्या हो जाएगा रथें। जाना का मीनिंग विद्यार्थी गज होता है, राम को एक नाम है ही लग जाएगा। आगे देखते हैं, वह बेस से सज्जन दिखता है, वह बेस से सज्जन, जैसे बताया था वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है, वह किसान से, वह हल से किसान मालूम पड़ता है, वह जटा से साधु मालूम पड़ता है, उसी प्रकार वह बेस से, देखिए इसमें भी बेस, बेस के द्वारा दिख रहा है, स वेसेन सज्जना दिखता है, प्रतिभा दे सकते हैं, प्रतीय दे सकते हैं, प्रतीयते मैं मालूम पड़ता है, ठीक है प्रतीयते, ठीक है। वह एक पैर से लंगड़ा है, वह एक पैर से लंगड़ा है, कल मैंने आपको बताया था आपके जो कर्ण कारक, जब मैंने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर वाक्य में कहीं भी कोई भी शरीर की विकार की सूचना मिलती हो, कोई भी शरीर की विकार की सूचना मिलती हो, उसमें हम कर्ण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे ही बताया था मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में, रैना का से काना है, गोलू का कान से वहीर है, वह पीठ से कुबड़ा है, वह एक पैर से चल नहीं सकता, मतलब कोई भी शरीर का बीमारी अगर किसी में हो, वह दिमाग से पागल है, इस प्रकार की कहानी अगर हो तो उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करते थे विद्यार्थी, तृतीय व्यक्ति का। तो देखिए करते हैं हम लोग, वह एक पैर से लंगड़ा है, देखिएगा वह का मीनिंग हो गया स,
एक का मीनिंग एका, पैर का मीनिंग होता है पाद, पैर का मीनिंग क्या होता है विद्यार्थी पाद, ठीक है। उसके बाद पैर से अगर से लगा रहे और यहाँ विकार की सूचना मिलती तो उसमें कौन सी व्यक्ति लगाते थे विद्यार्थी, तो तृतीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है एन, क्या होता है एन, तो सा एका पदे, लंगड़ा का मीनिंग खंजा होता है विद्यार्थी, खंजा क्या होता है खंजा, एक पैर है इसलिए अस्थि, क्या हो जाएगा अस्थि। ये था आपका विद्यार्थी कर्मकारक कर्णकारक और कर्ताकारक कर्मकारक और कर्णकारक का कुछ अनुवाद, और भी आपके अनुवाद में आगे लेकर आता हूँ, संप्रदान अपदान संबंध अधिकरण संबोधन सब का अनुवाद में लेकर आता, तब तक आप इसको अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर ले या अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर ले। आइए फ्रेंड्स तो शुरू करते हैं आगे अभ्यास लेकर हम आगे के लिए। 15 अनुवाद मैंने भी आपको बताया था, अगला छठा लेकर 16 लेकर आया हूँ। कर हुआ स्नान के लिए नदी जाता है, वह स्नान के लिए कहाँ जाता है नदी जाता है, तो वह का मीनिंग आपको मैंने बताया था सा होता, वह का मीनिंग क्या होता सा, स्नान का मीनिंग स्नान क्या होता है स्नान। अब देखिए यहाँ पे के लिए लगा हुआ है, के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो कारक का आपका जो फॉर्म है उसमें देखिए कर्ता नहीं, कर्म को करने से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, इसका इससे यह पता चलता है यह जो बात है कौन कारक का संप्रदान कारक का, और संप्रदान कारक का मैंने आपको चिन्ह क्या बताया था आय, उपाय और यह क्या बताया था आय, यहाँ पे उपाय और यह यानी आय लगा देते हैं तो हो जाएगा सास ने आय। नदी का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा नदी, जाना का मीनिंग गज हो जाएगा, और देखिए सा के साथ किस चीज का प्रयोग होता है विद्यार्थी ती का प्रयोग होता है, किस चीज का ती का, तो हो जाएगा यहाँ पे टोटल आपका बन के अनुवाद तैयार है सास ने आय नदी गजती, ठीक है। आगे देखिएगा वह फल के लिए वन जाता, वो फल के लिए कहाँ जाता वन जाता, वह का मीनिंग देखिए फिर यहाँ पे विद्यार्थी सा होता है, क्या होता है सा, फल का मीनिंग यहाँ पे आपका फल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फल। के लिए फिर आगे विद्यार्थी यहाँ पे आप देखिएगा के लिए, अगर वाक में के लिए लगा रहे तो इससे यह पता चलता है कि अब वाक किस कारक का संप्रदान कारक का, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है आपका उपायर यानी याय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम या लगा था सा फल याय, वन का मीनिंग वनम हो जाएगा विद्यार्थी, जाना का मीनिंग गच हो जाएगा, और सा के साथ ती का प्रयोग गच्छति, सा फलाय बनम गच्छति, ठीक है। आगे करा श्री गणेश को नमस्कार है, श्री गणेश को नमस्कार है, तो मैंने आपको बताया था नमः स्वधी नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा, इन सभी शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है चतुर्थी व्यक्ति होती है, ठीक है। तो श्री गणेशाय नमः, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या श्री गणेशाय, श्री गणेशाय नमः, ठीक है, श्री गणेश को प्रणाम है, ठीक है। आगे देखते हैं मुझे दही अच्छा लगता है, मुझे दही अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे का मीनिंग देखिए विद्यार्थी यहाँ पर मैंने आपको बताया था रुचि धारणम प्रियमाणा, रुचि धारणम प्रियमाणा, अगर वाक में किसी को कोई चीज अच्छी लगती हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा मुझे दही अच्छी लगती है, मुझे का मीनिंग मह्यम होता है विद्यार्थी, क्या होता है मह्यम, दही का मीनिंग होगा दधी, क्या होगा दधी, मह्यम दधी, अच्छा लगना मीनिंग रोचते, क्या होता रोचते, ठीक है। आगे देखते हैं राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, देखिए अब याद कीजिए यहाँ पे दनार्थे चतुर्थी, याद कीजिए दनार्थे चतुर्थी, अगर वाक में कोई किसी को दान के रूप में कोई चीज देती हो तो उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती, कौन व्यक्ति होती है चतुर्थी व्यक्ति, तो राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ हो जाएगा राजा या राज्ञा कुछ भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मण ने ब्याह, ब्राह्मण ने ब्याह, गाय का मीनिंग हो जाएगा गौ, देना का मीनिंग विद्यार्थी ददाती, राजा ब्राह्मण ने ब्याह गौ ददाती, ठीक है। नीरज भिखारियों को वस्त्र देता है, कोई नाम है मैंने आपको बताया था अभिधेय मातृ प्रथमा, क्या बताया था अभिधेय मातृ प्रथमा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नाम हो तो उस नाम को संस्कृत बनाने के लिए उसमें सिर्फ विसर्ग का प्रयोग करेंगे, किस चीज का प्रयोग करेंगे विसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा नीरजा विसर्ग लगा दिए, भिखारियों का मीनिंग होता है दरिद्रे भिया, क्या होता दरिद्रे भिया, दरिद्रे भिया, वस्त्र का मीनिंग देखिए यहाँ पे हो गया भिखारियों को वस्त्र देता, वस्त्र का मीनिंग हो जाएगा वस्त्रम, क्या हो जाएगा वस्त्रम, देना का मीनिंग ददाति, ठीक है विद्यार्थी। आगे देखते हैं हम लोग वह चोर से डरता है, अब आप याद कीजिए क्या भय और अच्छा हेतु, भय 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 हेतु रक्षा, यानी कि जिसमें भय और रक्षा की बात की जाती है उसमें कौन विभक्ति होती है पंचमी विभक्ति, कौन व्यक्ति पंचमी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है विद्यार्थी आत, क्या होता है आत। चलिए देखें वह चोर से डरता, वह का मीनिंग विद्यार्थी सा, वह का मीनिंग सा, चोर का मीनिंग आपको मैंने भी बताया था चोरा, क्या होता है चोरा,
चोर से है, देखिए यहाँ पे से लगा हुआ है तो हो जाएगा चौरात। क्या हो जाएगा, वो पहिया और ताला लगा है ना विद्यार्थी पंचमी व्यक्ति है तो सा चौरात। और डरना का मीनिंग होता है विभे, डरना का मीनिंग विभे, और सा के साथ ती, तो यहाँ पे हो जाएगा सा चौरात विभेती। आगे देखते हैं, राहुल और अखिलेश विद्यालय से आते हैं, राहुल और अखिलेश विद्यालय से आते हैं, ठीक है। देखिएगा कोई नाम है, एक नाम राहुला और कमीनिंग विद्यार्थी च होता है, क्या होता है च, राहुला च, अखिलेशा अखिलेशा विद्यालय से, तो विद्यालय कमीनिंग विद्यार्थी विद्यालय से आते हैं, यानी राहुल और अखिलेश का जो संबंध था विद्यालय से वह क्या हो रहा है, जुदा हो रहा है, यानी दोनों अलग हो रहा है, विद्यालय इसमें दोनों में जुदाई हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वाक में जुदाई का संबंध हो, जुदाई का सेंस दे, तो उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं विद्यार्थी, पंचमी विभक्ति। कौन व्यक्ति, पंचमी विभक्ति। तो देखिएगा पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या होगा, आते उपाय और ता, यानी आ, तो राहुल अखिलेशा विद्यालय आना का मीनिंग आगच्छति, आगच्छता हो जाएगा विद्यार्थी, क्योंकि दो नाम है, एक नाम रहे तो ती या दो नाम रहे तो ता, तो आगच्छता, ठीक है। आगे देखते हैं, वालक कष्ट से रोता है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कारण वाला वाक, कोई कारण वाला वाक हो तो उसमें तृतीय और पंचमी व्यक्ति दोनों होता है, तृतीय और पंचमी व्यक्ति दोनों होता है, तो बालक, तो देखिए आपको हो जाएगा आपका बालका, बालका कष्ट से, कष्ट का मीनिंग देखिए आप कष्टिन दे सकते हैं या कष्टांत दे सकते हैं, मैंने कल भी आपको यह बात बताया था, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बालिका कष्टिन कष्टात, और रोना का मीनिंग रुदता, ठीक है, रुदता, ठीक। आगे देखते हैं, गंगा हिमालय से निकलती, विद्यार्थी या जो क्वेश्चन है गंगा हिमालय से निकलती है, एग्जाम में आपका हजारों बार पूछा गया, आपका जो भी टेंथ या नाइन्थ का या सेवन एट जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए गंगा, गंगा कोई नाम, गंगा एक नदी का नाम है, तो गंगा, गंगाएं भी दे सकते हैं आप, गंगा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गंगा हिमालय से, हिमालय का मीनिंग हिमालय होता है, हिमालय का मीनिंग हिमालय, लेकिन हिमालय से निकलती है, यानी गंगा जो था हिमालय से अलग हो रहा है, हिमालय से निकलकर बह रही है, यानी कि दोनों में जुदाई का संबंध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमालय क्या हो जाएगा, जब जुदाई का संबंध हो तो आई किसका प्रयोग करते हैं, आत का प्रयोग करते हैं, तो गंगा हिमालयात, निकलना का मीनिंग देखिए प्रभती भी दे सकते हैं या निसरती भी दे सकते हैं, ठीक है, निसरती। आगे देखते हैं हम लोग, पेड़ से आम गिरते हैं, अभी देखिए मौसम आम का है, मान लीजिए पेड़ से आम गिरते हैं, पेड़ का मीनिंग विद्यार्थी मैंने आपको बताया था वृक्ष होता है, क्या होता है, वृक्ष होता है, ठीक है। पेड़ से, यहाँ पे देखिए पेड़ से, यानी पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, उससे आम गिर रहा, यानी पेड़ में और आम में क्या हुआ विद्यार्थी, जुदाई हुआ, क्या हुआ, जुदाई। तो मैंने आपको बता रहा हूँ बार बार कि अगर जब दोनों दो वस्तुओं के बीच में अलगाव का संबंध देता है तो उसे हम कौन सी विभक्ति बोलते हैं, अपादान कारक पंचमी विभक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पेड़ से, यानी दोनों में जुदाई तो आत का होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वृक्षात, और आम का मीनिंग विद्यार्थी आमरण होता है, क्या होता है, आमरण, और गिरना का मीनिंग पत होता है, क्या होता है, पत, पेड़ से आम गिरते हैं तो वृक्षात आमरण पतती, आमरण पतती, ठीक है विद्यार्थी। आगे, तुलसीदास रामायण के रचयिता, तुलसीदास क्या थे, रामायण के रचयिता, यानी कि तुलसीदास और रामायण जो लिखे हैं, तुलसीदास और रामायण में संबंध है, यानी वही लिखे उस किताब को, तो उनके बीच में क्या है, संबंध है, तो यहाँ संबंध कारक कौन व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, और षष्ठी व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर वाक्य षष्ठी व्यक्ति का हो तो उसका प्रयोग हम किसी से करते हैं, सिया लगा, क्या लगाकर, उसका अनुवाद सिया लगा। तो देखिएगा तुलसीदास कोई नाम है विद्यार्थी, तो तुलसीदास रामायण के, तो रामायण का मीनिंग होगा रामायणम, ठीक है, रामायण के, अच्छा सॉरी रामायण के है, देखिएगा विद्यार्थी, तो रामायणस्य, रामायणस्य क्या हो जाएगा, रामायणस्य रचिता, रचयिता, रचयिता थे, देखिएगा विद्यार्थी थे का मीनिंग क्या होता, आसित होता, जैसे है का मीनिंग अस्थि होता, उसी प्रकार थे का मीनिंग आसित होता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आसित, क्या लिख देंगे आसित, ठीक है। आगे देखते हैं, राम का कुत्ता सड़क पर दौड़ता है, राम का कुत्ता, देखिए राम और कुत्ता में संबंध है, किसका कुत्ता है, तो राम का कुत्ता, यानी राम और कुत्ता में क्या एक संबंध है, यानी उसका जैसे यह घर मेरा, इस घर और मेरे में संबंध है, यह पेन मेरा, इस कलम और मुझ में संबंध है, ठीक है। तो राम का कुत्ता, तो राम का मीनिंग हो जाएगा विद्यार्थी राम, राम का देखिए लगा हुआ, राम के साथ में क है, तो क्या किसी का प्रयोग करेंगे, सिया का, तो यहाँ पे हो जाएगा रामस्य, कुत्ता का मीनिंग कुकुरा होता है, क्या होता है कुकुरा, क्या होता है कुकुरा, सड़क का मीनिंग मार्गे होता है, क्या होता है मार्गे, दौड़ता है सड़क, देखिए
मार ही कैसे हो गया, सड़क का मीनिंग मार्ग होता है, लेकिन मार्ग में आप इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका बगल में दिया हुआ पर, क्या लगा हुआ पर, और अधिकरण को आप याद कीजिए, अधिकरण का जो चिन्ह होता है क्या होता है, मे पे या पर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा मार्ग। दौड़ना का मीनिंग धाव होता है, क्या होता है धाव, राम का, राम एक नाम है, उसके साथ किस चीज का प्रयोग करेंगे विद्यार्थी, ती का, तो हो जाएगा रामस्य कुकुरा मार्गे धावती। आगे देखते हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, मैंने आपको बताया था कि जब श्रेष्ठता का बोध बतलाता तो उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप कवि कविसु भी लगा सकते हैं, कवि नाम भी लगा सकते हैं, ठीक है विद्यार्थी, तो हम कविसु या कुछ भी आप लगा सकते हैं, तो हो जाएगा कविसु कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति, ठीक है, कवि कालिदासा कविसु कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक। आगे वन में बाघ घूमता है, वन में बाघ घूमता है, ठीक है, वन देखिए, वन यानी जंगल, यानी वन, मी देखिए आगे मी, अब समझिए कि कौन कारक का ये वर्ड है, पहले इसको पकड़ना है, सबसे पहले विद्यार्थी आप अनुवाद को देखते तो उसे पकड़ने की कोशिश करिए किस कारक का रूप है, किस विभक्ति का रूप है, तो वन में आप कीजिए अधिकरण में पेपर, अधिकरण में यानी अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति का रूप है, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है विद्यार्थी ए, तो यहाँ पे हो जाएगा वनी, क्या हो जाएगा वनी, बाघ का मीनिंग व्याघ्रात होता है, क्या होता है व्याघ्रात, ठीक है। घूमना का मीनिंग देखिए विचरती होता है, विच या भ्रमती भी दे सकते हैं, लेकिन भ्रमती हम लोग देखते हैं अगर कोई इंसान कोई पार्क रूप में घूमता है, कोई वन में घूमता है, बगीचा में, तो लेकिन यहाँ पे ही जंगल का बात है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे विचरती, विच दे देंगे विचर, लेकिन बाघ है तो ती यानी विचरती, वनी व्याघ्रात विचरती। तो विद्यार्थी यह था आपका तीन लकार का तीन कारक इधर और तीन कारक यानी आपका टोटल कारक, आज अनुवाद आपका हो गया क्लियर। अब कल का जो मैं अनुवाद आपको लेकर आऊंगा इसका अगला वीडियो, उसमें मैं मिक्स करके दूंगा आपका, यह वीडियो था आपका सीरियली डांस में, इसलिए बताता हूँ विद्यार्थी पहले कि हमको आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप इसे अपने कॉपी नोटबुक में नोट कर रहे या अपने मोबाइल में स्क्रीन शॉट कर ले, और विद्यार्थी आप लोग जब भी क्लास करने बैठे तो कॉपी कलम लेकर ही बैठे, ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जी धन्यवाद।